तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब फाइटर मूवी ये कैसा सियासी गेम खेल रही है हमारे साथ, कभी इस मूवी की ग्रोथ हाई जाती है तो कभी इस मूवी की ग्रोथ डाउन हो जाती है। या दोस्तों कल संडे था और संडे में जो तबाही इस मूवी ने मचाई है, क्योंकि अभी तक इसको फ्लॉप की कैटेगरी में पूरी तरीके से रख दिया था, मान चुके थे और ठान चुके थे, लेकिन भाई जब कल संडे में इस मूवी ने दोबारा से ग्रोथ दिखाई है, भाई लग रहा है कि अभी भी ये चलेगी और इस संडे तक ये जो यानी जो आने वाला संडे है उसमें भी दमदार कमाई करके ले जाएगी। तो अभी बात करेंगे इस मूवी ने शुरुआत से लेके कल संडे एंड ऑफ द डे तक कितनी कमाई इसने कर ली है, कैसा इसका रुझान रहा है, कैसा इसके ग्राफ्स अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो सारी चीज़ों पर क्लिक करके नज़र मारेंगे। और इसी बीच मतलब कौन कौन सी मूवीज़ के इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े हैं फर्स्ट वीक कलेक्शन के मामले में, पहले चार दिन कलेक्शन के मामले में, और ये मूवी जो पिछले साल जो हाइप सेट करी जा रही थी डंकी या फिर टाइगर फिर से, क्या इनके रिकॉर्ड को बीट डाउन कर देगी, सारी चीज़ों पर क्लिक करके नज़र मारेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई साहब डे वन की ओपनिंग ताबड़तोड़ तो नहीं कहेंगे, एवरेजली रही थी 22.5 करोड़, लेकिन पहले चार दिन में इस मूवी ने 120 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था। वैसे नेट इंडियन कलेक्शन जबरदस्त था इस मूवी का। तो पहले चार दिन में कौन कौन सी बड़ी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड तोड़े, OMG 2, फुकरे 3, किसी का भाई किसी की जान की तो लाइफ टाइम कलेक्शन को ही बीट डाउन कर दिया था, क्योंकि उसका 110 या 115 करोड़ के आसपास था। और सिर्फ हिंदी कलेक्शन के मामले में सालार को भी खदेड़ दिया इस मूवी ने। तो भाई साहब बिग अचीवमेंट है देखा जाए, क्योंकि प्रभास का बोला वाला मतलब डंका बजता है हिंदी ऑडियंस में, एज वेल एज साउथ में तो बजता ही है लेकिन हिंदी ऑडियंस में भी, लेकिन फाइटर मूवी ने इसे बीट डाउन कर दिया। साथ में डंकी को भी पानी पिला दिया है पहले चार दिन के कलेक्शन के मामले में। लेकिन पांचवें दिन यानी मंडे वर्किंग डे स्टार्ट होते ही ये मूवी की हालत खराब हो चुकी थी, मतलब पूरे सिंगल डिजिट में इसकी कहानी आ चुकी थी। 10 करोड़ से नीचे का कलेक्शन अराउंड 70 या 80% के आसपास ग्रोथ डाउन जाती दिखी थी। लेकिन भाई साहब 10वें दिन यानी सैटरडे और कल 11वें दिन यानी संडे में फिर से इस मूवी ने दम भरा है और जबरदस्त तरीके से दम भरा है। और पहले वीक में यानी पहले 7 दिन में नेट इंडिया से 146.50 करोड़ का कलेक्शन मूवी कर चुकी थी और कल एंड ऑफ द डे तक इसकी तबाही मचा दी नजर आई है। फिर से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 30% के आसपास कल फुल डे रही है, जबकि इस टाइम पर बहुत मूवी चल रही है, ना कि सिर्फ बॉलीवुड में, भाई साउथ इंडस्ट्री से भी उसके बाद हॉलीवुड के जो एक आध मूवी है वो भी चल रही है, तो कमी नहीं है लोगों के पास। फिर भी फाइटर मूवी को कल संडे के लिए प्रेफरेंस दी लोगों ने, चॉइस में रखा है इस मूवी को। कल एंड ऑफ द डे तक 13 करोड़ नेट इंडिया से आया है और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 15.5 करोड़ के आसपास और पूरी दुनिया से 18 करोड़ के आसपास ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक कमा के नजर आई है। तो ऐसे में पहले 11 दिन में एंड ऑफ द डे तक अर्ली एस्टिमेट कितना है, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 175.50 करोड़ हो चुका है, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 210 करोड़ हो चुका है और पूरी दुनिया से 296 करोड़ के क्रम में ये मूवी कल एंट्री मार चुकी थी, जो देखा जाए तो अपने बजट को रिकवरी कर चुकी है और एवरेजली हिट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 300 करोड़ में आज ये मूवी आज अपने मंडे में कंप्लीट कर ही लेगी। तो भाई साहब क्या ये मूवी डंकी के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर देगी जो 470 करोड़ के आसपास है, और टाइगर 3 के लाइफ टाइम कलेक्शन को जो 466 करोड़ के आसपास है। भाई कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जैसी हाइप और जैसा सिनेरियो डंकी और टाइगर 3 के टाइम पर था कि मूवी बहुत बड़ी थी, फाइटर को भी बहुत बड़ी मूवी ऐसा रिकमेंड करा जा रहा था, और है डंकी भी थी और टाइगर 3 भी थी, लेकिन भाई इनकी हाइप नहीं बन पाई थी जैसे फाइटर मूवी की अभी हाइप नहीं बन पा रही है। तो इन मूवी ने फिर भी जबरदस्त कलेक्शन किया, तो क्या इन दोनों मूवीज के रिकॉर्ड को ये तोड़ेगी या फिर इन्हीं मूवीज के आसपास आके ये मूवी बैठ जाएगी या टिक जाएगी, 350 करोड़ भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा बजट इसका, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी डंकी या फिर टाइगर 3 या फिर फाइटर, इन तीनों में से बेस्ट मूवी कौन सी आपकी अगर तीनों ही देख ली है, तो मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।